गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चे? तो बच्चों, आपको मैम ने इससे पहले व्यंजन पढ़ाए थे, क से अंगों तक, अंगों का घर खाली तक। क से अंगों तक आपको मैम ने व्यंजन सिखाए थे, पढ़ाए थे। और आज आपको मैम व्यंजन पढ़ाएंगी च से चम्मच से यौ का घर खाली तक। च से चम्मच से चौ से यौ तक। तो बच्चों, आप सभी बच्चे मैम के साथ व्यंजनों को सीखेंगे। तो बच्चों, ये क्या है? ये है चौ से चम्मच। ये देखो चम्मच, चौ से चम्मच। चम्मच तो आप सभी लोग जानते हैं ना, चम्मच से आप लोग खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, है ना? तो ये है चौ से चम्मच। और बच्चों, दूसरा क्या है? चौ से चाबी। ये देखो चौ से चाबी। ये एक ताल, ये चाबी किसमें लगती है? ताले में। इससे ताला खुलता है। आप लोगों ने देखी है ना चाबी? चौ से चम्मच और चौ से चाबी। इसके बाद आता है बच्चों अगला व्यंजन, छ से छतरी। ये देखो बच्चों, छ, छ से छतरी। ये देखो बच्चों, छतरी। इसको छाता भी बोलते हैं, इसको छतरी भी बोलते हैं। और ये बहुत काम की चीज है, आप लोगों ने देखी है ना। इसको हम लोग बारिश में भी ले जाते हैं बारिश से बचने के लिए, और इसको हम लोग धूप में भी ले जाते हैं धूप से बचने के लिए। तो ये है बच्चों छ से छतरी। और ये देखो बच्चों, ये क्या है? छ से छड़ी। छ से छड़ी, छह से छड़ी। देखिए ना, आपके घर में दादाजी दादी जी लोग हैं ना, तो वो लोग क्या पकड़ते हैं? वो किससे चलते हैं? किसको पकड़ के चलते हैं? छड़ी को पकड़ के। तो ये क्या है बच्चों? छह से छड़ी, छह से छाता और छह से छड़ी। उसके बाद बच्चों अगला व्यंजन आता है जौ। जौ से जहाज। ये देखो बच्चों, ये क्या बना है? जो से जहाज। और जहाज कहाँ चलता है? समुद्र में, है ना, पानी में, समुद्र में। ये जो से जहाज। और बच्चों ये क्या है? जो से जलेबी। ये देखो, ये क्या बनी है? जो से जलेबी। जलेबी तो सभी बच्चों को बहुत पसंद है ना। ये खाने में बहुत ही मीठी और बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और इसे सभी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये है जौ से जलेबी, जौ से जहाज और जौ से जलेबी। और इसके बाद आता है बच्चों जौ से झंडा। ये देखो बच्चों, जौ से झंडा। ये देखो, ये क्या बना है? झंडा तो आप सभी जानते हैं ना, आप अपने स्कूलों में झंडा फहराते हैं ना। स्वतंत्रता दिवस के दिन आप लोग झंडा फहराते हैं, गणतंत्र दिवस के दिन आप झंडा फहराते हैं, और झंडा लेके भी जाते हैं अपने साथ। तो ये है झ से झंडा। और ये है बच्चों झ से झरना। ये देखो झरना, झरना देखो क्या होता है झरना? ये एक ऊपर पहाड़ों से पानी आता है, बहुत सारा पानी, इसको बोलते हैं। और नीचे ही नदी बन जाती है, नदी में चला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? जौ से झरना। और ये है बच्चों जौ से झंडा। अब आगे बच्चों, जौ से झंडा के बाद आता है यौ। यौ बोलो खाली। यौ का घर होता है खाली, बच्चों बजाओ मिलकर ताली। तो बच्चों आपने कहाँ तक पढ़ा? आज आपने कौन से व्यंजन पढ़े? चौ से चम्मच, छौ से छाता, जौ से जहाज और झौ से झंडा, और यौ बोलो खाली। तो बच्चों इसको एक बार हम गा के भी पढ़ते हैं, और आप सभी बच्चे मैम के साथ गाएंगे, ठीक है बच्चों? चौ से चम्मच लेकर आओ, चौ से चटनी इससे खाओ। चौ से चम्मच लेकर आओ, छह से चटनी इससे खाओ। छह से छाता खोल कर चल, छह से छाता खोल कर चल। छह से छमछम बरसे जल, छह से छाता खोल के चल,
छो से छम छम, बर से जल, फिर जौ से जग। जौ से जग पानी से भरा। बच्चों जौ से जग तो आप सभी ने देखा है ना, जौ से जग भी होता है, ये सभी आप सभी के घरों में होगा। इसमें क्या रखते हैं? पानी, और इससे पानी पीते हैं। तो जौ से जग पानी से भरा, जौ से जामुन बड़ा रसीला। जौ से जामुन एक फल का नाम होता है जो खाने में बड़ा रसीला होता है। और जौ से झंडा, जौ से झंडा तुम फहराओ, जौ से झटपट शीश झुकाओ। आप लोग झंडा फहराते हैं ना अपने अपने स्कूलों में, तो जौ से झंडा तुम फहराओ, जौ से झटपट शीश झुकाओ। और वहां पे आप झंडे को देख के शीश झुकाते हैं ना। हाँ तो बच्चों आज जहां तक मैम ने आपको पढ़ाए हैं चौ से यौ तक, आपको इसी तरह से अपने घर में इसको पढ़ना है और इसी तरह से इसको गाना है, जैसे मैम ने आपको गा के सुनाया। ठीक है बच्चों।